हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इयररिंग बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 8 नंबर के थ्रेड लिए हैं, 0.55 mm का क्रोचेट हुक, इयररिंग हुक, जंप रिंग, ये एक फ्लावर लिया है, इसकी जगह आप बीड भी लगा सकते हैं, 1 बीड लिया है, रिंग, इसका डायमीटर 1 इंच का है, आप किसी भी साइज का ले सकते हैं। अगर रिंग नहीं है तो ये इस तरह का बॉटल की सील भी पर भी आप ये इयररिंग बना सकते हैं। प्लायर, सीजर, फैब्रिक ग्लू और स्टार्च। सबसे पहले नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए रिंग पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस थ्रेड को हमें इस तरह से साथ में रखना है, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, थ्रेड को साथ में रखते हुए इस तरह से हमें सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। इससे ये धागा अच्छे से लॉक हो जाएगा। इस तरह से पूरे रिंग को कवर कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 46 सिंगल क्रोशे बनाई हैं। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, 1 चेन लेंगे, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। सेकंड वाले स्टिच में यहाँ पर हमें ये कलर ऐड करना है। ये देखिए, इस तरह से 1 चेन लेंगे, 1 स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, थ्रेड को खींचकर टाइट कर लेंगे, 5 चेन लेंगे, 1 एक्स्ट्रा थ्रेड को यहाँ से हम कट कर देंगे। ग्रीन कलर लेंगे। ये देखिए, जो हमने स्टिच छोड़ दिया था इसको लेंगे। रेड वाले को हम बाहर की साइड कर देंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच में ये देखिए, यहाँ पर रेड वाले स्टिच से नेक्स्ट वाला स्टिच है ये, इसमें हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, 5 चेन लेंगे, नेडल को स्टिच में से निकाल लेंगे। अब हम रेड वाला लेंगे, ग्रीन वाले को हम इस तरह से बाहर की साइड कर देंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, 5 चेन लेंगे, नेडल को स्टिच में से निकाल लेंगे। अब हम ग्रीन वाला स्टिच लेंगे, रेड वाले को हम बाहर की साइड कर देंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, 5 चेन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक बार हमें ग्रीन और एक बार रेड लेना है।
ये देखिए ग्रीन वाले स्टिच को हम बाहर की साइड कर देंगे, रेड वाले से हम नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फाइव चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार ग्रीन और एक बार रेड बनाते हुए पूरे सर्कल को हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बना लेना है। वन चेन लेंगे, थ्रेड को कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ग्रीन वाला थ्रेड लेंगे। यहाँ पर हमने इससे पहले फाइव चेन ली थी, यहाँ पर हमें टू चेन लेनी है। यहाँ से हमने सर्कल शुरू किया था, सिंगल क्रोशिया बनाई, उसके ऊपर फर्स्ट वाली चेन में ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे। वन चेन लेंगे, थ्रेड को कट कर देंगे। बैक साइड पर थ्रेड को हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरे थ्रेड को भी लॉक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे। रेड वाला थ्रेड लेंगे, एक रिंग बनाएंगे। वन चेन लेंगे, रिंग में सिंगल क्रोशिया लेंगे। चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव, सिंगल क्रोशिया के टॉप पर ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे। रिंग में सिंगल क्रोशिया लेंगे वन टू थ्री, फाइव चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया के टॉप पर ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे। रिंग में सिंगल क्रोशिया लेंगे, चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टू चेन स्किप करेंगे। थर्ड में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन 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 में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया लेंगे। रिंग में सिंगल क्रोशिया लेंगे, एट चेन लेंगे, सेम पैटर्न बनाना है, टू चेन स्किप करेंगे। थर्ड में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया लेंगे,
ये देखिए इस तरह से बना लेना है। रिंग को बंद करेंगे, फर्स्ट वाले चेन गैप में यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम गैप में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेम गैप में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम गैप में स्लिप स्टिच लेंगे, सिंगल क्रोशिया के टॉप पर ये देखिए सेंटर में यहाँ पर टू सिंगल क्रोशिया ली हैं, उसके टॉप पर हमें स्लिप स्टिच लेनी है। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के टॉप पर भी स्लिप स्टिच लेंगे, नेक्स्ट चैन गैप में जाएंगे, स्लिप स्टिच लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम गैप में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, सेम गैप में डबल क्रोशिया लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेम गैप में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, टू चेन लेंगे, सेम गैप में स्लिप स्टिच लेंगे, थ्रेड को कट कर देंगे, रिंग को अच्छे से बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे। अब हम स्टार्च लगाएंगे, बैक साइड पर हमें अच्छे से स्टार्च लगा लेना है। थोड़ा ड्राई होने पर सेब देंगे, सेब देने के लिए इस तरह से हम बो को सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे, रिंग लेंगे, जंप रिंग लेंगे, इसको हमें खोल लेना है। जहाँ पर हमने ये सर्कल शुरू किया है वहाँ पर हम जंप रिंग को लगा लेंगे, इसमें हुक अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से बो की बैक साइड पर ये देखिए इस तरह से ग्लू लगा लेंगे, किनारों पर नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको चिपका देंगे सेंटर में। ये मैंने फ्लावर लिया है, यहाँ पर बीड्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसको इसके ऊपर लगा देंगे, फ्लावर के ऊपर
ग्लू लगाएंगे, इसके ऊपर हम बीड लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये इयररिंग बना लेंगे। ये देखिए हमारे इयररिंग कंप्लीट है।